बालाघाट में आज बचाव पक्ष के वकील एडवोकेट भूपेंद्र सोनी ने कल देरी से शुरू हुए जिरह को आज उन्होंने जारी रखा। आज उन्होंने गवाह क्रमांक 4 और 8 के बयानों को गलत ठहराने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने सफलता मिलने की अपेक्षा व्यक्त की। उन्होंने और जिरह करने के लिए समय दिए जाने की गुजारिश की, जिसे न्यायालय ने अनुमति दी। आगे की सुनवाई 6 तारीख को होगी, जिसमें फैसला होने की संभावनाएं जताई जा रही है। उन्हें न्यायालय के कामकाज में एडवोकेट शुभांगी कुम्हारी, एडवोकेट सुदीप मेश्राम और अवंती सोनी ने साथ दिया। सरकारी पक्ष की तरफ से उज्जवल निकम ने अनुपस्थिति में सरकारी वकील दीपक वैद ने कामकाज देखा। प्राध्यापिका अंकिता पिसूरी चलित मामला अब निर्णायक मोड़ पर आ गया है। 6 तारीख को इस मामले में फैसला होने से सबकी निगाहें इस ओर लगी हुई है। माझा युक्तिवादाचा 3रा दिवस होता आणि आज मी ह्या प्रकरणामध्ये जे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार होते, साक्षीदार क्रमांक 4 आणि साक्षीदार क्रमांक 8 यांचा पुरावा खोडण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न केला आणि मला असा विश्वास आहे की मी त्याच्यामध्ये यशस्वी झालेलो आहे। मला माझा युक्तिवाद संपवण्याकरिता अजून मला 1 दिवसाचा वेळ हवा आहे आणि मी तशी विनंती माननीय कोर्टासमोर केल्यामुळे कोर्टाने माझी ती विनंती मान्य केली। येत्या 6 तारखेला मी माझा युक्तिवाद पूर्ण करेल आणि संभवतः त्याच दिवशी ह्या प्रकरणाचा निकालही समोर येऊन जाणार असा मला विश्वास आहे। BCN न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवी येनोरकर की रिपोर्ट।